तो आज हम जा रहे हैं कहीं दूर। भूलिया शायद तो कहाँ जाना हमको, इसको लग रहा है कि हम ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं। यही है। अच्छा रेस लगा दे। तो गाइस मैं अपने शब्द जो है वापस लेता हूँ, जो ताकि किसी कोठेबंदी वाली लड़की को लगे कि कोई कोठेबंदी वाला। सो हेलो मेरे यूट्यूब के चाहने वालों, तो आज हम जा रहे हैं कहीं दूर, जो कि मैं थंबनेल नहीं लगाऊंगा, शायद लगा भी दूंगा क्या पता भी चल गया होगा। बट हाँ, मैंने इसको लिया था 9 बजे का टाइम, ये 9 बजे से शायद आधे घंटे पहले ना साढ़े आठ पे पहुंच गया था, और मैंने 9 बजे का टाइम दिया था, मैं ठीक 9 बजे पहुँचा हूँ। वहाँ मेरी टाइमिंग ना 1 मिनट लेट ना 1 मिनट आगे। तो यहाँ से चलते हैं, वो मैं अब इस बार मैं वहाँ पहले भी गया हूँ, मगर मैं इस बार बताऊँगा नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो शायद मैं थंबनेल पे नहीं लगाऊँगा, वो देख लेना अब आगे। चलो हिटो, पहुँचे हैं पेड़ा भी है कलवा खान से आगे को जा रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कहाँ को जा रहे हैं। तो अभी हम जस्ट उडियारी में पहुँचे हैं, हम नीचे से भी जा सकते हैं बट हम यहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा। और अभी हम बताएंगे, मतलब शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम कहाँ को जा रहे हैं, या शायद मैंने वीडियो में लगा भी दिया होगा, क्या पता अभी तक। सो एज यू कैन सी, हमने जैसे कि माथे पे टीका भी लगा रखा, आपको पता चल गया कि हम कहाँ को जा रहे हैं, यानी कि हम मंदिर जा रहे हैं। अब कहाँ के मंदिर जा रहे हैं शायद आपने गेस कर लिया होगा, या किसी मतलब जो यहाँ से जाता है जिसको चीज़ें रखा उसको तो अंदाज़ा लगा लिया होगा, बट जिसको पता नहीं है वो देखते रहें, उसको पता लग जाएगा। ये चौकड़ी वाला रोड और थोड़ी दूरी पे है चौकड़ी, उधर को जाता है चौकड़ी और उधर को ये एशियन अकेडमी जाता है ये स्कूल। तो आज हम जा रहे हैं एशियन अकेडमी स्कूल में एडमिशन करने। अब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। अबे यार क्या है यार, अच्छी राहुल कहाँ लाए थे, ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं क्या हम, जो ऐसे रोड बना रहे हैं नीचे में तो मजा आया। ये शायद इसको इसको भूलिया शायद तो कहाँ जाना हमको, इसको लग रहा है कि हम ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं। उतरना पड़ेगा क्या। हाँ गुड, ये ड्राइवर ये राइडर पास है बुला तू पास है। आगे को थोड़ा बहुत हमें हिमालय भी दर्शन हो रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा नज़ारा हमें दिल को सुकून मिलने वाला प्रतीत हो रहा है। तो आज राहुल मेरे को पहली बार नए वाले रोड में लेके आया है, मैं आज जा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मैं घूमता कम ही हूँ ना, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा मैं कहीं जाता नहीं, घर ही ब्लॉग डालता हूँ तो मैं जाता ही नहीं हूँ। वाह यार यहाँ से मगर ये हिमालय कितना प्यारा लग रहा है, तुम भी देख लो दिक्कत कहाँ है। अबे यार इसको खुद ही रोड बता दिया, रॉन्ग तो नहीं आ गए पूछ रहा मेरे से अब। हैं सही है सही है, तुम जानो यार, अब तुम ही जानो सही है गलत है, हमने तो देखा नहीं है। गूगल मैप लगा दो फिर खोलो, जरूरत पड़ रही है क्या, कमी काटने नहीं है। हाँ ये काफ़ी हमें शॉर्ट रास्ता लाया, यही है सही रोड, यही है। हाँ अब हम यहाँ से आगे बताएंगे कहाँ को बोला, कोटमुनिया ही बोलते हैं ना। हाँ कोटमुनिया तक जाएंगे, फिर वहाँ से एक रोड और दूसरे रोड में जाएंगे हम, वो दिखाएंगे आपको आगे, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो तब तक के लिए चैनल पे मतलब जो है सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, ये हमारी छोटी सी आपको अपील है। तो ये देखिए आजकल जो है ब्रांस के फूल भी लगने लग गए हैं काफ़ी ब्रांस के प्यारे मेरी तरह प्यारे और राहुल की तरह फूल लगे हैं, मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा। गाइज हम ना कोटमुनिया में पहुंच गए हैं, यहाँ से हम ये एक यू टर्न मतलब टर्न ले रहे हैं इधर को नई रोड में,
अब देखना आप हम कहाँ को जाते हैं। हम ऊपर को भी जा सकते हैं, ऊपर को भी जाती है एक रोड, नीचे को भी जा सकते हैं। तो देखते रहिए, धुमता 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 धुमता। ओ हम नीचे को जा रहे हैं। ओ अच्छा, रेस रेस लगाते हैं, रेस लगाते हैं। तो अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। अभी हम नेशनल हाईवे NH4 में, ये देखिए नेशनल हाईवे। कैसा लगा, कैसा लगा हाईवे? ब्रोकन बट ब्यूटीफुल वाला सीन है। यहाँ से शॉर्ट है मगर रोड का जो है खत्म वाला सीन है। मतलब जैसे यहाँ काफी काफी प्रसिद्ध माँ कुटगाड़ी का मंदिर है और काफी लोग आते जाते रहते हैं, काफी दूर से श्रद्धालु आते हैं, फिर भी पता नहीं सरकार को क्या दिक्कत है इस रोड को ठीक करने में। अब मतलब ये ऐसा नहीं कि यह कुछ ही टाइम से ऐसा हो रहा है, काफी पहले से मतलब ऐसा हो रखा है ये रोड। ये मतलब शायद नीचे को तो डामर कर रखा है कुछ, यहाँ से मतलब होगा कितना होगा बताएंगे हम आपको थोड़ा आगे। बट ये हमारी जो पहाड़ की एक ये भी बहुत बड़ी व्यथा है कि जो रोड है यहाँ, रोड कुछ ऐसे मिलते हैं, रोड जो कि मतलब सरकार ने एक एहसान जैसा कर रखा है गांव गांव में रोड पहुंचा के, उसको फिर उसके बाद देखना छोड़ दिया है। क्या कहें कौन यार, गॉट इंजीनियर भी ना फिर जो। तो अभी मतलब लगभग 4-5 किलोमीटर चलने के, 4-5 ही ना अभी सही, मतलब एकदम अच्छी वाली थोड़ी रोड आ गई है। और ये नीचे को चेक आउट दिस खेत, वाओ। मतलब गड्ढे मट्टे जो है ना तगड़े वाले, वो ऐसे नहीं है। तो हम जा रहे हैं आज भगवती मंदिर। काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बना था भगवती मंदिर जाने का, मतलब अराउंड 1 महीने से हमारा प्लान बना था जाएंगे। बट बीच में मेरे को भी कहीं जाना था, फिर उसको भी फिर कभी इसको टाइम नहीं हुआ। फिर आज हमें ऐसी माँ भगवती का हुक्म हुआ और हम आज जा रहे हैं मंदिर को। तो गाइज मैं अपने शब्द जो है वापस लेता हूँ जो मैंने सरकार के लिए बोले थे। यहाँ नीचे को काफ़ी अच्छी रोड है मगर वहाँ को नहीं थी ना तभी बोला मैंने, तो माइंड ना करें। और यहाँ पे है हनुमान मंदिर, यहाँ पे रुकेंगे। थोड़ा नीचे आगे रहो, पता नहीं। तो ये यहाँ पे रास्ते में एक हनुमान मंदिर भी पड़ता है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ भी दर्शन कर लें। क्यों सही सही क्या ना। तो यहाँ पे नीलकंठ बाबा की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो ये दर्शन कर लीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री शंकर भोलेनाथ। यहाँ पे शिवलिंग, अभी हम जल जाएंगे यहाँ पे, और इस साइड को है माँ दुर्गा माँ शिरो, और ये शेर। अभी काफ़ी अच्छा मंदिर है, चलो पानी चढ़ा देते। तो अभी हम यहाँ पे पानी चढ़ेंगे, थोड़ा बोलो जाओ तो थोड़ा बहुत। मैंने जो इंस्टाग्राम से नॉलेज लिया था कि सिद्धि में जो पानी चढ़ाते हैं, पहली साइड को गणेश भगवान होते हैं, साइड को राधे के इसमें चढ़ाते हैं, पहली साइड फिर साइड, फिर बीच में कमला देवी होती है इसमें चढ़ाते हैं, फिर इसके चारों तरफ माँ पार्वती होती हैं, इसके चारों तरफ चढ़ाते हैं, फिर इसके ऊपर फिर शिवलिंग में शिव जी जो होते हैं, शिव जी शिवलिंग में चढ़ाया जाता है, और आगे भी इसके नंदी हैं, नंदी महाराज। तो ये पीछे पे जो ये देख रहे हैं, ये है कैंची धाम वाले जो बाबा हैं, नीम करोरी बाबा कैंची धाम के। जहाँ जाना मेरा तो ड्रीम ही है, क्योंकि जैसे मैं हल्द्वानी एक दो बार ही गया, अब हल्द्वानी आते जाते ही जा सकते हैं ऐसे। बीच में रुकेंगे तो फिर हमें गाड़ी को रोकना पड़ेगा, फिर कोई टैक्सी वाला ऐसे रुकेगा नहीं, क्योंकि बेना पहुँचने तक मतलब हमारे यहाँ पहुँचने का काफ़ी लेट भी हो जाता है, और भी सवारे होते हैं। तो इन फ्यूचर कभी जाऊँगा अगर भगवान का हुक्म हुआ तो
तो जाएंगे एक दिन, पक्का जाएंगे इधर भी कैंची धाम, जो कि मेरा काफ़ी पहले से जाने का मन है। तो यहाँ नीचे को जो है चल रहा है डामरीकरण का काम चल रहा है, मतलब शायद दोबार से करे, ऊपर को तो शोधिंग भी हो रही थी, यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखो यार, मैंने तुम्हारे लिए अपील की थी ना, सरकार ने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली। यहाँ नीचे को फिर से वैसी रोड है, बेकार, खत्म सीन है। एक बार हम यहाँ पे गिरे थे, इस जगह पे गिरे थे हम बाइक से, बाइक का जो टायर था वो स्लिप हो गया था। अब यहाँ से ठीक है, इनसे रोड जो है नीचे को काफ़ी मतलब सही है, नीचे को नीचे को डामर आमर है ऐसे, मतलब जो ऊपर को खत्म सीन है ऊपर का तो रोड का। अब यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है मंदिर। सो हम माँ कोटकाड़ी भगवती मंदिर के फर्स्ट वाले जो गेट है बड़ा वाला वहाँ पहुँच गए, यहाँ से अंदर को एंटर करेंगे अब। अब यहाँ से भी है काफ़ी, 2-3 किलोमीटर है शायद यहाँ से। तो बस हम पहुँच ही गए हैं भगवती मंदिर। फाइनली हम भगवती मंदिर पहुँच गए हैं, और यहाँ हमने आज हमको आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा वो हम बता नहीं सकते हैं। तो पहले यहाँ पे अपने जो है हाथ पैर धो के शुद्ध होके जाना पड़ता है, हाथ मुँह। यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से गेट, एंट्रेंस गेट यहाँ से भी है, और ये पता नहीं कौन सा है, मतलब जो भी है, मतलब जय हो भगवान, परमेश्वर जो मोटे लगे हैं, जय हो भगवान परमेश्वर, जय हो जय हो जय हो, जय श्री शंकर, जय श्री राम, जय श्री शंकर, जय जगदम्बा, जय माँ दुर्गा, जय माँ शिरवाली। तो हम पहुँच चुके हैं, तो आज मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं जिनका मैं प्रतिदिन नाम लिया करता हूँ या जाने से, वहाँ पहुँच चुके हैं माँ भगवती के दरबार में। तो अभी हम जस्ट मंदिर अंदर मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं, और यहाँ पे कुछ मतलब 11 तारीख तक वो भी थे, भागवत भी चल रहे थे। कितने तारीख से थे? 2 फरवरी से 11 फरवरी तक। तो यहाँ पे जो ये कर रहे हैं, इन्हीं की थी भागवत, इन्हीं के परिवार की थी, इन्हीं के परिवार वाले हैं जो खड़े हैं पिछोड़े में, और आज ये कर रहे हैं कथा यहीं पे। तो यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी हम मंदिर से वहाँ से तो आ गए हैं, अभी हम उड़ियारी पे रुके हैं एक जगह होटल में। देखिए कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रखे हैं, तेरी फोटो लगी यार यहाँ पे है, फेमस हो गया तो तेरी फोटो यहाँ पे लगी है। तो हम इस होटल में खा रहे हैं गाइस, देखो ये, ताकि किसी कोठेबंदी वाली लड़की को लगे कि कोई कोठेबंदी वाला लड़का है। स्ट्रेटजी है ये, स्ट्रेटजी जो भी है, मतलब मेरा वो है प्लान है ये, ताकि कोई कोठेबंगली वाली लड़की को लगेगी कोई कोठेबंगली वाले लड़के हैं। ठीक है, कोठेबंगली वाले लड़के जो हैं लड़कियाँ जो कमेंट कर देना, वाई आर यू सो सीरियस। और इस होटल का नाम है पहाड़ी रसोई। हम कोठे बंगले वाले लड़के क्यों ना, मगर हम फिर भी दाल भात खाएंगे क्योंकि हम जमीन से जुड़े हैं। तो चलते हैं अब यहाँ से पेंटिंग देख देख। मैं नहीं दिखाऊंगा।